नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अब आपको सीधे लेके चलते काशी, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच मौजूद है और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, रोड शो के दौरान जनता की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। गए हैं इस बार वाराणसी से। साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसका सीधा असर चुनाव पे पड़ता नजर आ रहा है। जनसैलाब आप देख सकते हैं, शाम तक ये रोड शो जारी रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध पे गंगा आरती करेंगे, क्रूज पे जाएंगे और वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। और प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए आज ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है जनता को जब इतने बड़े चेहरे को अपने इतने करीब पाते हैं। लंबा काफिला चल रहा है प्रधानमंत्री का। आपको बता दें कि वाराणसी में 6 सीटों में से 5 सीटों पर वर्तमान विधायकों पर ही भरोसा जताया गया है। अजगरा सुरक्षित सीट पर त्रिभुवन राम को प्रत्याशी बनाया गया है। दक्षिण विधानसभा सीट से नीलकंठ तिवारी का घोषित किया गया है नाम। कैंट विधानसभा की बात करें तो सौरभ श्रीवास्तव का नाम सामने आया, प्रत्याशी बनाया गया, एक बार फिर भरोसा जताया गया। शिवपुर विधानसभा से अनिल राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। पिंडरा विधानसभा से अवधेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अजगरा सीट से त्रिभुवन राम को प्रत्याशी बनाया गया है। तो पुराने चेहरों पे जिनका दबदबा रहा है क्षेत्र में और जिनको जनता का काफी प्यार समर्थन मिलता है, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है, उन्हीं चेहरों को सबसे ज्यादा इस बार भरोसा जताया गया है, उन्हें टिकट दिया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, जैसे कि सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में, और जब तक चुनाव का प्रचार चलता रहेगा वाराणसी में ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है उनके? प्रधानमंत्री अपने बनारस के दौरे पे है और वो इस वक्त बनारस के अंदर में एक मेगा रोड शो कर रहे हैं और ये रोड शो मलदिहा से गौदलिया चौक तक जाएगा। 3 किलोमीटर के ये पूरे रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान में जो 53 सीटों पर मतदान होना है, उसमें प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र है बनारस के अंदर में, वहां प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र में अपने भाजपा के और गठबंधन के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में ये बनारस की 8 सीटों के अंदर में भाजपा को 3 सीटें मिली थी, वहीं बसपा को 2 सीटें और सपा को 2 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस के 1 सीटें मिली थी। वहीं आपको बता दें कि इस बार के 2022 के चुनाव में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अजय राय भी इस बार चुनावी मैदान है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अपना दल के कृष्णा पटेल भी, जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी मैदान में है।
और प्रधानमंत्री पूरा अपना दमखम लगाकर भाजपा समर्पित प्रत्याशियों को और जो घटक उनके दल है उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बनारस की जो गलियां हैं जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो निकल रहा है, उस दौरान इन सब जगहों पर पूरी तैयारी के साथ भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत में लगे हुए हैं। वहीं फूल पुष्प मालाओं से उनके स्वागत किए जा रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा भी उनका स्वागत किया जा रहा है और छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं। जी शिखा विभांशु, जिस तरह से इस बार सभी विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से इतना दमखम दिखाती हुई बसपा, कांग्रेस और सपा नजर आ रही है, क्या लगता है इस बार किस तरह के रुझान देखने को मिलेंगे? जी शिखा, अगर बात करें तो जातिगत आंकड़े की, तो जो ये 8 सीटें हैं, ये खास तौर पे जो ब्राह्मण वर्ग है और दलित वर्ग है, इनके मतदाता ज्यादा है। और वहीं इन सब चीजों को लेकर तमाम राजनीतिक दल, जो भी बड़े नेता हैं, चाहे जिस पार्टी से है, चाहे बात करें बसपा से जो बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती, या बात करें कांग्रेस के आला कमान के नेता राहुल गांधी जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद है। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो भी सपा के पक्ष में वोट मांग रही है। और वहीं जयंत चौधरी को भी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को भी बनारस के अंदर में बुलाया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री के साथ जो भी इलाके के बड़े नेता हैं और क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो भी बनारस के अंदर में मौजूद हैं और बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। और साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो साख है वो इन सब सीटों पे देखी जा रही है और उनकी साख दांव पे है। और वही बात करें कि पंचायत चुनाव की, और पिछले जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, चाहे बात करें एमएलसी चुनाव की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में साफ तौर पर सपा ने प्रधानमंत्री के गढ़ से दो अपने एमएलसीओ को चुनाव में जिताकर काउंसिल के अंदर में भेजा था। साफ तौर पे प्रधानमंत्री के गढ़ से निशाना साधते हुए अखिलेश यादव समेत राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष है सपा के, राम गोविंद चौधरी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी और बताया गया था कि प्रधानमंत्री का जो खेमा है, जो उनका गढ़ है, वो उनके हाथ से आगामी चुनाव में निकल जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री पूरे सतर्कता के साथ यहाँ रोड शो कर रहे हैं और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, वही आपको बता दें कि कल चुनाव प्रचार की तालाबंदी हो जाएगी, तब तक ये सभी बड़े नेता अपने पक्ष में जनाधिकार को एकत्रित करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास को करेंगे। जैसा विभांशु, प्रियंका गांधी भी इस वक्त बनारस में मौजूद हैं और कल भी वो मौजूद रहेंगी। जिस तरह से वो दलितों को, पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रही है, कबीर मठ में डेरा डाली हुई है, किस तरह से देखते हैं? जी साफ तौर से इसे कह सकते हैं कि जो दलित वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में करने के लिए ये एक राजनीतिक पैतरा हो सकता है, जिससे आपको बता दें कि 2 मार्च से प्रियंका गांधी बनारस के अंदर में कबीर मठ के जो मठ है उसमें अपना डेरा बनाए हुए, और आसपास के जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं उनको उनके साथ मीटिंग कर रही है। और जो बुनकर है, वही राहुल गांधी का आज के सभा में बयान आया है कि खासतौर पे भारत के अंदर में जो साड़ियां है उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ आ रहा है, और राहुल गांधी ने कहा आज बनारस के अंदर में कि इस पे मेड इन बनारस लिखा जाना चाहिए, और बनारस को साड़ियों की वजह से भी जानते हैं, बुनकरी की वजह से जानते हैं, हस्तकला की वजह से जानते हैं। तो इन सब चीजों से साफ तौर पे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से कटते हुए दिख रहे हैं। वही प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम ऐसे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों उनको बताकर और जो नेता है उनको बताकर डोर टू डोर कैंपेन में बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 10 मार्च को आखिर नतीजा क्या आता है, जनता किसे पसंद करती है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी को, तो पंचायत चुनाव और एमएलसी के चुनाव को वो लेकर बात कर रही है और जो भी बड़े नेता हैं, वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी विगत 2 दिन पहले बनारस की सड़कों पर उतरी थी जिसमें उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। तो इसमें साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि मैं डरूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं और मैं पूरी सेफ हूँ। जी, जिस तरह से जनसैलाब रोड शो में देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान, क्या लगता है, क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने आए हैं या फिर इनका समर्थन भी जाएगा प्रधानमंत्री के साथ? जी, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जब यहाँ से चुन के जाते हैं तो वो बनारस को ऐसा कह के गए थे कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, ऐसे चुनाव में वो बयान देते आए हुए हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए
काफी अच्छे सीटों पे जो आसपास की सीटें थी संसदीय चुनाव में 2019 में तो फायदा हुआ था। तो जो बीजेपी का आला कमान है उनकी तरफ से ऐसी जरूर बातें कही गई होंगी प्रधानमंत्री को चुनाव में बुलाया जाए जिससे जनाधार को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर भाजपा के पक्ष में वोट ले सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री का रोड शो किया जा रहा है, उसमें अच्छे खासी संख्या में भीड़ है, मगर भीड़ को हम वोटर्स में कहना ये बात गलत होगा। वो आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि ये भीड़ क्या वाकई में वोटर्स मतदान किसके पक्ष में करते हैं। खासतौर पे हम देखते हैं कि जो भी बड़ा नेता क्षेत्र में जाता है तो तमाम ऐसे दलों के लोग जो उस दल को पसंद में नहीं करते हैं मगर वो सुनने आते हैं अपने नेता को और बड़े नेताओं को, तो ऐसा भी है। और मगर हम देख सकते हैं बनारस के अंदर में, चाहे काशी कॉरिडोर की शुरुआत हो, चाहे ऐसे जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे हो बनारस के अंदर में, तो उसमें खास तौर पे जो जन सैलाब है वो भाजपा के पक्ष में उमड़ा है और आने वाले चुनाव में जो चुनाव बीत चुके हैं उसमें भाजपा के पक्ष में रहे हैं। मगर जो विपक्ष है वो हर एक मुमकिन प्रयास को कर रहा है कि जो फिक्स वोट बैंक है उसमें छेदमारी की जाए। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के विपक्ष में लड़ने वाले अजय कुमार राय के लिए आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल आज उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। और पिछले 2017 के चुनाव में अजय राय जो कि 5 बार के विधायक रहे हैं वो चुनाव हार गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए अजय राय के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और खास तौर पे जो अजय राय का क्षेत्र है वहां से अच्छे आंकड़े में दलित वोट बैंक है, वैश्य वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, इसको खास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से अपने तरफ करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसा हाल के चुनाव में हुए नहीं है मगर एमएलसी के चुनाव में हुए हैं, तो आने वाले 10 मार्च को ये देखने को मिलेगा कि ये भीड़ किस तरफ जाती है। वही आप प्रधानमंत्री की मेगा रोड शो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के करीब काफी ऐसे कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनसे वो उनका अभिवादन कर रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ता डमरू बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें पुष्प वर्षा बरसा रहे हैं। तो साफ तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि बनारस के अंदर में जो मोदी वेव था जो वो अभी भी कहीं ना कहीं कायम है और ये जो सैलाब है ये 10 मार्च को किस तरफ जाता है, ये जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है वो क्या वाकई में प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। जी विभांशु, अगर बात करी जाए काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद मेगा रोड शो की शुरुआत करी, इसके बाद वो गंगा आरती करेंगे दशाश्वमेध पे, फिर वहां से क्रूज पे सवार होकर एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो जो ये पूजा अर्चना करते हैं प्रधानमंत्री, इसका कितना प्रभाव पड़ा है काशी की जनता पे और इस चुनाव पे कितना असर पड़ सकता है? जी अगर बात करें तो काशी के अंदर में बाबा विश्वनाथ के लिए एक विशेष प्यार हर एक नेता जताते हैं, इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री भी ने भी अपना कार्यक्रम रखा है और वो ऐसे कई सारे, जब हाल ही में काशी कॉरिडोर को शुरू किया गया था तो वो क्रूज जो बोट है उसके शुभारंभ किए, आज क्रूज के जरिए वो काशी के ऐसे तमाम, काशी को घाटों के लिए भी जाना जाता है, तो वो ऐसे घाटों पे जाएंगे और वहां जो उनके समर्थक उनसे अपना अभिवादन करेंगे और साथ ही साथ वो ऐसे कई चिन्हित चेहरे भी भाजपा की तरफ से बताए जा रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री आज मिल सकते हैं और साथ ही साथ वो बनारस के अंदर में रुकेंगे तो प्रधानमंत्री औचक तरीके से भी निकलते हुए दिखते हैं। जैसे आपने काशी कॉरिडोर के समय देखा था कि देर रात प्रधानमंत्री सड़कों पर उतर कर अपने समर्थकों से मिल रहे थे और वहां पे आपने देखा था कि जो भी स्थानीय लोग थे उनके बच्चों को भी वो बच्चों से भी मिल रहे थे, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। और वही प्रधानमंत्री हर जब भी यूपी आते हैं तो अगर बात करें तो खासतौर पर वो बनारस जाते हैं, चाहे अगर बात करें तो और जो भी आसपास की सीटें हैं, चाहे बात कर ले सोनभद्र की, चाहे चंदौली की, चाहे मिर्जापुर की और पास में आपके मऊ और गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ समेत तमाम जो सीटें हैं उस पर भी जो वोटर्स है उनको अपने तरफ पोलराइज करने के लिए बनारस के अंदर से एक मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। आने वाले 10 मार्च को इसके नतीजे से पता चलेगा कि क्या इसके नतीजे निकल के आए और क्या परिणाम निकल के आया। वही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री चुनाव के कल तक मौजूद रहेंगे और कल तक ऐसे कई सारे शेड्यूल उनके आ जाएंगे पीएमओ के द्वारा और प्रधानमंत्री को जो टीम है, लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गंगा आरती में सम्मिलित होंगे जिसमें खास तौर पे जो आसपास के बनारस के अंदर में 8 जो सीटें हैं लोकसभा के अंदर जो वहां की 8 विधानसभा सीटें हैं उसके सभी जो सहयोगी प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा के घटक दल के प्रत्याशी हैं, वो सभी वहां मौजूद होंगे और
उनके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार चल रहा है और इस रोड शो में प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जगह तक जाके जनता से संवाद करने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिख रहे हैं। जनता की भीड़ भी देखने को मिल रही है रोड शो के दौरान, जनता भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। देख सकते हैं आप, जय श्री राम के नारे सुनाई भी दे रहे हैं, डमरू बजा के अभिवादन कर रहे हैं, फोटो लेने के लिए सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विशाल रोड शो है इसमें लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और काफी बदल भी गया है काशी, अगर देखा जाए तो पहले जो सकरी गलियां होती थी अब वो उनका चौड़ीकरण हो गया है और प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार पुष्प वर्षा करी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका अभिवादन किया जा रहा है, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इतने बड़े चेहरे को अपने बीच देख के। तो काशी से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक लंबा काफिला चल रहा है प्रधानमंत्री के साथ, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इस रोड शो की निगरानी ड्रोन से करी जा रही है। अपने सभी 8 विधानसभा है बनारस में और वहां के सभी विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए कई दिनों से नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर है कि जनता के बीच अपना विश्वास कायम रख सके, पुरानी साख जो कि पिछले चुनावों में जो दबदबा देखने को मिला था, बीजेपी की जो लहर देखने को मिली थी वैसे ही कायम रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। पे लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि का एक असर बता सकते हैं इसे। और जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं बनारस तो कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिलता है। अब पूरे रोड शो का जो मार्ग निर्धारित किया गया है वहां पे बीजेपी के झंडों से लेके तिरंगे लगाए गए, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है, गुब्बारों से सजाया गया है, कार्यकर्ता मौजूद है, फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है, आम जनता भी यहां पे मौजूद है। बनारस से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर एक विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं प्रधानमंत्री। जनसैलाब बता रहा है कितना असर पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से, सकरी गलियां भीड़ से भरी हुई हैं। अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे प्रधानमंत्री, जनता देखने के लिए जनता की भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री को और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप, बनारस की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं हर तरफ, आठ विधानसभा सीटें हैं और सभी के लिए, सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी खुद पीएम के कंधों पे है और पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर कॉरिडोर हो, दोनों का ही सीधा असर पड़ेगा इन चुनावों पर भी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष सक्रिय है, माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है सभी प्रत्याशियों को, सभी दलों के प्रत्याशी दलित और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में भी लगे हैं।
दक्षिण विधानसभा सीट से नीलकंठ तिवारी जहां चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, एक दबदबा माना जाता है, अच्छा खासा जन समर्थन है उनके साथ। कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव का को उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिभुवन राम को प्रत्याशी बनाया गया है। और कल भी प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, सभी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और आज भी बड़े जनसैलाब देखने को मिल रहा है बनारस में। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को देखते हुए और धर्म आस्था को देखते हुए इस बार बीजेपी के लिए आसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी काफी मजबूत है और टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो विपक्ष के लिए जहां परेशानियां हैं जीत के लिए, तो वहीं बीजेपी के लिए भी इस बार जीत आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो लहर देखने को मिली थी वो कहीं कम है, लेकिन बनारस में जिस तरह का जनसैलाब है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी बनारस में जनता का समर्थन मिल रहा है। बीच पुष्प वर्षा की जा रही है, कई कार्यकर्ता मौजूद है, काशीवासी भी मौजूद है और जनता का समर्थन पाने के लिए ही इस वक्त काशी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।